दोस्तों खरबूजे की फसल में फ्लॉरिंग स्टेज से जैसे ही फल पकते हैं उस टाइम रूट से संबंधित डिजीज नहीं आनी चाहिए और उसी टाइम बहुत ज्यादा डिजीज आती हैं। और खरबूजे की फसल जैसा कि मैं हर वीडियो में कवर करती हूँ, डिजीज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। खरबूजे में बहुत ज्यादा डिजीज आती है और एक बार अगर कोई भी रोग आता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खरबूजे की फसल को आप लंबे समय तक कैसे चला सकते हो, यानी कोई रूट में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहे। तो दोस्तों जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तब आपको एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करनी है। मैं आपको फंगिसाइड बता दूंगी लास्ट में। फ्लोरिंग स्टेज में ड्रेंचिंग करनी है या फिर आपको ड्रिप से चलाना है। बेस्ट रहेगा कि आप ड्रिप से खेती करें तो ड्रिप से चला दें, और अगर आप अलग विधि से कर रहे हैं तो फिर आप ड्रेंचिंग कर दें, जड़ों में जाना चाहिए। सेकंड ड्रेंचिंग करेंगे फल पकने की अवस्था में, उस टाइम भी आप एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करेंगे ताकि रूट से संबंधित उस टाइम डिजीज नहीं आनी चाहिए, हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसकी जड़ें बिल्कुल स्वस्थ रहे। फंगिसाइड भी आपको मैं दो बता रही हूँ, दोनों में से कोई सा भी आप एक फंगिसाइड ले लेना और उनकी दो बार आप ड्रेंचिंग कर देना। एक फंगिसाइड आप परचेज कर लें उसी की आपकी दो बार ड्रेंचिंग हो जाएगी। फर्स्ट फंगिसाइड है हेक्साकेनाजोल, 5% ऐसी फॉर्म में आता है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, सभी का सेम वर्क होता है। और इसकी डोज आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 400 ml यूज करना है। 400 ml सफिशियंट रहेगा, आप चाहे ड्रिप से चलाएं या फिर आप ड्रेंचिंग करें। सेकेंड फंगिसाइड अगर हेक्साकेनाजोल आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है तो बायर कंपनी का बोनस फंगिसाइड आप यूज कर सकते हैं जिसमें आता है टेबुकेनाजोल, 38.9% एसी फॉर्म में ये आता है, इसका आप यूज कर लें। दोनों में से जो आसानी से अवेलेबल हो जाए उसका आप यूज कर सकते हैं। बोनस फंगिसाइड की डोज आपको लेनी है 1 एकड़ के लिए 150 ml सफिशियंट रहेगा, क्योंकि ड्रिप से चलाते हैं या ड्रेंचिंग करते हैं तो डोज थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बोनस की आपको डोज 100 से 150 ml आप ले सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के डिजीज फसल में है या नहीं है। अगर आप फसल में दो बार ड्रेंचिंग कर देंगे तो लास्ट में जो आपकी फसल खराब होती है, जड़ें खराब हो जाती हैं, रूट से संबंधित डिजीज ज़्यादा आती है, फसल अलसा जाती है, तो वो समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड की। दोनों ही सिस्टमिक फंगिसाइड है, बहुत ही इफेक्टिव फंगिसाइड है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।